कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आज इसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की पहली एप्लीकेशन है बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, है ना। कौन सी है? बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। तो देखें, ये पहली है बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। इसमें तीन पार्ट है। पहला केस जो है वो है आपका क्लोरोफिल का। क्लोरोफिल नाम सुना होगा बड़े अच्छे से। क्लोरोफिल भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और इसके अंदर एमजी आयन होता है प्लस टू कंडीशन में, यानी एमजी प्लस टू मेटल आयन इसके अंदर प्रेजेंट होता है और क्लोरोफिल की वजह से ही लीव्स का कलर ग्रीन होता है और ये फोटोसिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। सोचो, अगर क्लोरोफिल नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, दुनिया में खाना ही नहीं बनेगा। तो दुनिया में खाना बनाने के लिए क्लोरोफिल चाहिए और क्लोरोफिल क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो बिना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जीवन ही पॉसिबल नहीं है। खाना नहीं, जीवन नहीं, और खाना बनाने के लिए क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल खुद क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसके अंदर एमजी प्लस टू आयन प्रेजेंट है। इसका दूसरा वर्जन है जो आपके अंदर है, वो क्या? हीमोग्लोबिन। बेटा हीमोग्लोबिन भी जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जिसके अंदर Fe प्लस टू सेंट्रल मेटल आयन है। कौन है? Fe प्लस टू। अब जरा सोचो, हीमोग्लोबिन क्या होता है? आरबीसी होती है अपने अंदर, ब्लड के अंदर होती है आरबीसी, रेड ब्लड सेल, है ना। जो रेड ब्लड सेल होती है इन्हें इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट। तो जो इरिथ्रोसाइट हैं या आरबीसी हैं, रेड ब्लड सेल्स, है ना, उनके अंदर हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन के अंदर Fe प्लस टू आयन होता है। तो सोचो, अगर हीमोग्लोबिन नहीं हो तो क्या होगा? हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारा ब्लड ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कंपाउंड बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ही पूरा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारी बॉडी में। अब जरा सोचो, अगर हीमोग्लोबिन नहीं हुआ तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, हर आदमी मर जाएगा बिना ऑक्सीजन के। समझ में आई या नहीं आई? तो हीमोग्लोबिन कितना इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, वो भी क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तीसरी चीज है विटामिन B12, जिसका दूसरा नाम है, बायोलॉजिकल नेम है साइनोकोबालामिन। क्या नाम है? साइनोकोबालामिन। और जो साइनोकोबालामिन है या माइन है, इसके अंदर कोबाल्ट मेटल है प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में। कौन सी में? प्लस थ्री। तो हमने देखा, चाहे क्लोरोफिल जैसा इंपॉर्टेंट कंपाउंड हो जिसके बिना खाना ही नहीं बनेगा, हीमोग्लोबिन जैसा इंपॉर्टेंट कंपाउंड हो, है ना, जिसके बिना ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, या विटामिन B12 हो। विटामिन B12 नहीं होगा तो आपके अंदर एनीमिया हो जाएगा। एनीमिया को हिंदी में बोलते हैं खून की कमी, है ना, और एनीमिया हो जाएगा। तो आप सोचो, विटामिन B12 भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, हीमोग्लोबिन भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, और प्यारे बच्चों क्लोरोफिल भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इनके अंदर जो सेंट्रल मेटल आयन है वो याद रखना, क्लोरोफिल के अंदर एमजी प्लस टू, हीमोग्लोबिन के अंदर Fe प्लस टू यानी फेरस, और इसके अंदर कोबाल्ट प्लस थ्री। विटामिन B12 का बायोलॉजिकल नेम है साइनोकोबालामिन। तो ये है इसकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। अब आती है बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के बाद इन मेडिसिन, दवाइयों में भी ये काम में आते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आप हो गए हैं सर, दवाइयां भी बनती हैं इनकी? बिल्कुल, मेडिकल फील्ड या मेडिसिन में भी इसका यूज है। मेडिसिन में क्या यूज है बेटा? मेडिसिन में एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है सिस्प्लेटिन। क्या नाम है? सिस्प्लेटिन। आप हो गए सिस्प्लेटिन। फॉर्मूला क्या है सर? बेटा इसका फॉर्मूला है PtNH3 का होल ट्वाइस Cl2। इसका नाम सिस्प्लेटिन क्यों है? देखो इधर पीटी ये रहा, दोनों Cl पास पास है और दोनों अमोनिया पास पास है, दोनों अमोनिया पास पास है और दोनों Cl भी पास पास है, इसलिए ये है दोनों अमोनिया पास पास।
दोनों सीएल पास पास, इसीलिए सिस फॉर्म है। इस कंपाउंड का नाम प्लेटिन है और ये उसकी सिस फॉर्म है, तो कहलाता है सिस प्लेटिन। ये कंपाउंड जो सिस प्लेटिन है ये कैंसर के ट्रीटमेंट में काम आता है। किसमें? कैंसर ट्रीटमेंट में। किसमें काम आता है? कैंसर का इलाज करने में। वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। तो मेडिसिन के फील्ड में सिस्प्लेटिन बहुत काम की चीज है। ऐसे ही है ईडीडीए। ईडीडीए जो है ये लेड पॉइजनिंग के इलाज में काम आता है। किसके? लेड पॉइजनिंग के इलाज में काम आता है। आप कहोगे लेड पॉइजनिंग? हाँ बेटा, अगर लेड आपकी बॉडी में पहुंच गया तो इतना हार्मफुल कंपाउंड है ना, बेहद आपकी बॉडी के लिए। तो लेड पॉइजनिंग होने पर ईडीडीए का इस्तेमाल किया जाता है। ईडीडीए का इस्तेमाल करने से लेड पॉइजनिंग को कवर किया जा सकता है। तो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में था क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन और विटामिन बी12। मेडिसिन के फील्ड में सिस्प्लेटिन, और एक एग्जांपल दिया मैंने आपको सिस्प्लेटिन के अलावा ईडीडीए जो लेड पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट में काम में आता है। अब इसमें नेक्स्ट चलते हैं हम मेडिसिन के बाद थर्ड नंबर। थर्ड नंबर है एस कैटालिस्ट। कैटालिस्ट के रूप में भी ऑर्डिनेशन कंपाउंड बड़ा अच्छा वर्क करते हैं। इसमें दो एग्जांपल हैं। पहला है आपका विल्किंसन कैटालिस्ट। विल्किंसन कैटालिस्ट एक होमोजीनियस कैटालिस्ट है। कैसा कैटालिस्ट है? होमोजीनियस। ये बात आईआईटी में पूछी गई है, अंडरलाइन कर लें, होमोजीनियस कैटालिस्ट है। होमोजीनियस कैटालिस्ट का मतलब जानते हो, जब रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटालिस्ट तीनों एक ही फेज में हो, या तो तीनों ही सॉलिड हो, या तीनों ही लिक्विड हो, या तीनों ही गैस हो, तो इसे बोलते हैं होमोजीनियस कैटालिस्ट। लेकिन अगर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटालिस्ट अलग अलग फेज में हो, फेज की हिंदी अवस्था, अवस्थाएं हैं तीन, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव और गैस। तो अगर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटालिस्ट अलग अलग फेज में हो तो इसे बोलते हैं हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट। अगर तीनों समान फेज में हो तो होमोजीनियस कैटालिस्ट। तो विल्किंसन कैटालिस्ट एक बहुत अच्छा होमोजीनियस कैटालिस्ट का एग्जांपल है। अब आता है इसका फॉर्मूला क्या है। इसका फॉर्मूला है PPH3 होल थ्राइस RHCl। क्या है? PPH3 होल थ्राइस RHCl, ये इसका फॉर्मूला है। इसका विल्किंसन कैटालिस्ट का। अब बात आई इसका ये फॉर्मूला है सर, इसका नाम क्या है? तो नाम के लिए थोड़ी सी जगह बना दे रहे हैं, ये हटा रहे हैं। देखो इसका नाम क्या है, इसका नाम है ट्रिस ब्रैकेट में ट्राई फिनाइल फॉस्फीन ब्रैकेट क्लोज रोहोडियम, ब्रैकेट क्लोज के बाद क्या है, रोहोडियम फर्स्ट क्लोराइड। ये इसका IUPAC नेम है। इसको इतना ज्यादा इंफेसाइज क्यों किया? क्योंकि ये कंपटीशन में भी पूछा गया है, एम्स में भी पूछा गया है। विल्किंसन कैटालिस्ट का IUPAC नाम बताओ। IIT मेंस में भी क्वेश्चन आ चुका है और बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है। इसका IUPAC नाम याद रखना, विल्किंसन कैटालिस्ट का ट्रेस ट्राई फिनाइल फॉस्फीन रोडियम फर्स्ट क्लोराइड। और इसका फॉर्मूला है PPH3 का उल्ट्राइज RHCl। और ये कैटालिस्ट कैसा है? होमोजीनियस। याद रखना होमोजीनियस है, IIT में पूछा गया है। अब इसी में एक और कैटालिस्ट आता है इसी कैटेगरी में, ये हटा रहे हैं जगह। इसी कैटेगरी में एक और कैटालिस्ट है, जिगलर नाटा कैटालिस्ट। क्या नाम है? जिगलर नाटा कैटालिस्ट। बच्चे कहेंगे क्या नाम है सर, सुन के हंसी आ रही है। आ रही है बस, लो किसने रोका है। नाम है इसका जिगलर नाटा कैटालिस्ट। जिगलर नाटा कैटालिस्ट, नाटा मैंने छोटी हाइट का है। जिगलर नाटा कैटालिस्ट कैसा है? आंसर ये हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट है। फिर अंडरलाइन करो, हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट। फिर पूछा गया कंपटीशन में, हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट है जिगलर नाटा कैटालिस्ट, ये बात कॉम्पिटिशन में पूछी गई है। और ये दो चीजों का मिक्सचर होता है, PiCl4 और AlC2H5 होल थ्राइस।
ये फिर क्वेश्चन बोर्ड में भी आ चुका है, आईआईटी में भी आ चुका है, एम्स में भी आ चुका है, नीट में भी आ चुका है कि जिग्लर नाटा कैटालिस्ट किन दो चीजों से मिलकर बनता है। तो एक चीज है TiCl4 है ना, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, और एक है Al(C2H5) वोल्टराइज ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, ये लिखा हुआ है ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, इन दोनों का मिक्सचर ही क्या कहलाता है, जिग्लर नाटा कैटालिस्ट। क्या है ये, हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हटा रहा हूं। अब देखो अभी तक हमने देखा कि भाई जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उनकी एक बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हो गई, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में तीन पार्ट हो गए, कौन कौन से तीन पार्ट हो गए, क्लोरोफिल हीमोग्लोबिन विटामिन B12, फिर मेडिसिन में दो पार्ट हो गए थे सिस्प्लेटिन कैंसर का ट्रीटमेंट, और दूसरा था EDTA लेड पॉइजनिंग में लेड पॉइजनिंग का ट्रीटमेंट करने पे, फिर था कैटालिस्ट, कैटालिस्ट में दो पार्ट हो गए विल्किंसन कैटालिस्ट जिग्लर नाटा कैटालिस्ट, विल्किंसन कैटालिस्ट होमोजीनियस है, जिग्लर नाटा कैटालिस्ट हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट का एग्जाम्पल है। तीन एप्लीकेशन ये हो गई पूरी डिटेल में। अब चलो फोर्थ नंबर है जो EDTA है, एक तो लेड पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट में काम आता है, EDTA का एक और काम है ये पानी की हार्डनेस के मेजरमेंट में भी काम आता है, हार्डनेस का मेजरमेंट करता है, यानी कि अगर आप EDTA की हार्ड पानी से रिएक्शन कराओ तो जितनी EDTA की अमाउंट खर्च होगी उससे आप ये पता कर सकते हो ये पानी कितना हार्ड है। तो EDTA का उपयोग पानी की हार्डनेस को मेजर करने में भी करते हैं, जितना पानी ज्यादा हार्ड होगा उतना EDTA ज्यादा खर्च होगा आपका, अगर पानी सॉफ्ट है तो EDTA नहीं खर्च होगा। ठीक है, जितनी हार्डनेस बढ़ती जाएगी उतना EDTA का अमाउंट ज्यादा खर्च होगा, उससे पानी की हार्डनेस को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, PPM में, PPM यूनिट है पार्ट्स पर मिलियन। ठीक, अब ये हो गए कितने पॉइंट, फोर। अब कहोगे सर और भी कोई पॉइंट है, तो हम कहेंगे हाँ अभी तो भाई एक और पॉइंट है, आप जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उनके द्वारा Ni+2 आयन, CO+2 आयन, Zn+2 आयन, इनकी क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है बेटे, दो एनालिसिस होती हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब होता है आयन को पहचानना कि वो आयन है या नहीं है, ये क्वालिटेटिव है। क्वांटिटेटिव का मतलब उसकी अमाउंट निकालना, तो क्वांटिटेटिव का मतलब अमाउंट निकालना, क्वालिटेटिव का मतलब ये पहचानना वो आयन है या नहीं है। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में भी, इन आयन की क्वालिटेटिव एनालिसिस में भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते हैं। जब इन आयन की हम क्या करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस, जब हम ये पहचानते हैं आयन है या नहीं, तो उसमें भी इनकी क्वालिटेटिव एनालिसिस में भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते हैं, उन्हीं से इन आयनों को पहचाना जाता है। इस तरीके से हमने देखा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की पांच एप्लीकेशन हो गई, पहला बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, दूसरा इन मेडिसिन, याद आया, दूसरा क्या था इन मेडिसिन, तीसरा क्या था भाई, तीसरा था कैटालिस्ट के रूप में, चौथा पानी की हार्डनेस को नापने के लिए, और पांचवा क्वालिटेटिव एनालिसिस में। सामने सट गया हूं, सब देख सकते हैं। इसके कितने पार्ट हो गए थे, तीन, कौन कौन से, क्लोरोफिल हीमोग्लोबिन विटामिन B12। इसके दो पार्ट हो गए थे सिस्प्लेटिन और EDTA। कैटालिस्ट के भी दो पार्ट हो गए विल्किंसन कैटालिस्ट और जिग्लर नाटा कैटालिस्ट। ठीक, EDTA के दो बार बताया, एक बार EDTA मेडिसिन में बताया है तब बताया लेड पॉइजनिंग का इलाज, और एक बार बताया EDTA से आप पानी की हार्डनेस को भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इस वीडियो से मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की पूरी एप्लीकेशन समझ में आ गई होगी। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।